इस वीडियो में जानेंगे रामायण काल के 16 सबूतों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हो और भगवान राम को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़े एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकन में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। अधिकांश लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे, क्या रावण के वास्तव में 10 सिर और 20 हाथ थे, और क्या हनुमान जी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते थे। मन को झकझोर देने वाले इन हजारों सवालों का समाधान करने के लिए हम आए हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको रामायण के उन जिंदा सबूतों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी श्रीराम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। आइए जानते हैं। तो रामायण काल का पहला सबूत है नंबर 1, संजीवनी बूटी। आप सभी लोग संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनकी जान बची थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पर्वत आज भी भारत के उत्तराखंड में मौजूद है। इस पर्वत में आज भी ऐसी अनोखी जड़ी बूटियां मौजूद है जो आज भी रात्रि में चमकती है। वैज्ञानिक रिसर्चरों के द्वारा बताया गया है कि अमावस्या की रात को इन जड़ी बूटियां का प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, और इसके अलावा इस पर्वत पर रहने वाले लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। कारण पूछने पर वह बताती है कि द्रोणागिरी पर्वत उनका इष्ट देवता था और हनुमान जी ने रामायण काल में उनके देवता को खंडित किया था, क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की एक हिस्से को उठाकर लंका ले गए थे। इसी कारण या लोग आज तक हनुमान जी को नहीं पूछते। नंबर 2, लव कुश जन्म स्थान। वह स्थान जहाँ माता सीता धरती में समाई थी, नेपाल में आज भी मौजूद है, और इसी जगह पर लव कुश का जन्म हुआ था, जहाँ आज भी इस बात के साक्ष्य पूर्ण रूप से मौजूद है। नंबर 3, लंकापति रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका सहित आग लगा दी थी। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली विजय माना जा सकता है। हनुमान जी की वीरता देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे कि यदि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है, जबकि आसपास की मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है। नंबर 4, अशोक वाटिका। लंका में आज भी अशोक वाटिका स्थित है, जहां रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद उसे बंदी बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि सीता को अशोक वाटिका की एक गुफा में रखा गया था। यहाँ सीता जी का एक मंदिर भी है जिसे वीरांग तो कहा जाता है, जो वाहियांग से 10 किलोमीटर दूर है, जिसे सीता कोटुआ भी कहा जाता है, और यह सब श्रीलंका में आज भी मौजूद है। नंबर 5, कोंडागट्टू गुफा। रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाने के बाद रावण भयभीत हो गया था और उसे लगातार डर सता रहा था कि कहीं हनुमान जी दोबारा लंका पर आक्रमण न कर दे, इसलिए रावण सीता माता को अशोक वाटिका से कोंडागट्टू ले गया। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली हैं, जो सीधे रावण के महल तक जाती हैं। नंबर 6, कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। नंबर 7, पंचवटी। आज भी नासिक के पास एक पंचवटी तपोवन है, जहाँ भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण अयोध्या से अपना वनवास बिताने के लिए रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक काटी थी। नंबर 8, हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पद चिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह अभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। नंबर 9, किष्किंधा बाली सुग्रीव की गुफा। किष्किंधा को रामायण काल में
वानर साम्राज्य माना जाता है, जिस पर वानर राजा बाली और सुग्रीव का शासन था। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी के आसपास का क्षेत्र किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बाली और सुग्रीव की गुफाएं भी मौजूद हैं। यहीं पर अंजनाद्री पर्वत स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहां से थोड़ी दूरी पर पंपा सरोवर है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण यहां रुके थे। पंपा सरोवर के पास ही शबरी की गुफा भी स्थित है। नंबर 10, राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि किसी समय यह पुल भारत और श्रीलंका को स्थल मार्ग से जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं सदी तक यह पैदल चलने के लिए उपयुक्त था। चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रह सका। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें मीडिया में प्रसारित हुई। समुद्र पर बनाया गया पुल राम जी की दूसरी विजय मानी जा सकती है, क्योंकि विशाल समुद्र की ओर से रावण को कोई खतरा नहीं था। 11 लेपाक्षी मंदिर सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पग काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्रीराम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 12, चित्रकूट। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताया था। भरत यहां भगवान राम से मिलने आए थे। यह स्थान अब यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। नंबर 13, श्री राम द्वारा निर्मित रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना भी की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। सीता माता ने एक शिवलिंग रेत से बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लाए थे और एक शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। इसीलिए इस स्थान को रामलिंगम कहा जाता है। नंबर 14, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। माना जाता है कि श्रीराम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्रीराम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 15, रामेश्वरम। भगवान राम के द्वारा समुद्र में सेतु बनाने के बाद उन्होंने महादेव की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग का निर्माण किया, ताकि लंका पर विजय प्राप्त की जा सके। यह शिवलिंग आज भी तमिलनाडु में मौजूद है, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 16, अयोध्या नगरी। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहाँ 500 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विशालकाय राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह थे रामायण काल के कुछ जिंदा सबूत, जो आज भी मौजूद होते हैं, और हमें विश्वास है कि इतनी सबूत राम विरोधियों के मुंह को बंद करने के पर्याप्त है। लेकिन अगर आप राम विरोधी नहीं हैं, है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।